हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे जेके एस एस पी जेईसी का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। इसमें हमने 130 क्वेश्चन कर लिए और हमने इसके 7th पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका 8th पार्ट करने वाले हैं। 8th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं 131 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ऑन ए स्ट्रेस्ड बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है जिसपे स्ट्रेस लग रही है। देर आर पॉइंट ऑन विच शेयर स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, जिसमें कि शेयर स्ट्रेस जीरो है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस जीरो है उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, उस प्लेन को जिस प्लेन पे भी शेयर स्ट्रेस जीरो है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 132nd क्वेश्चन है। 132nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिफिस मीटर यूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, ओरिफिस मीटर कौन से प्रिंसिपल या फिर कौन से लॉ को यूज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बर्नौलीज लॉ। ठीक है, बर्नौलीज लॉ को यूज करता है ओरिफिस मीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल्स शुड नॉट बी लेस देन। मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टील की जो हम यूज करते हैं रेल्स में, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करें जल्दी से, आपको आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा बी, दैट मीन्स 700 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्टील की रेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है 134th क्वेश्चन, द कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो टेस्ट, फॉर कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो टेस्ट द साइल शुड बी सोक्ड फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो कितने डेज के लिए साइल को हमने सोक करके रखना पड़ता है। ठीक है, कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो टेस्ट में। ठीक है, कैलिफोर्निया बीडिंग रेशो टेस्ट में। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं, इसमें है 4 days। ठीक है, 4 days के लिए हमें साइल को सोक करके रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 135th क्वेश्चन है, द ग्राफिकल पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे पास स्ट्रीम लाइंस रहती हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल रहते हैं हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये आगे स्ट्रीम लाइंस और ये आगे इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो ये हमारे पास बनाती है फ्लो नेट। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा 135th क्वेश्चन का, क्वेश्चन ए पार्ट आएगा, दैट मीन्स फ्लो नेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 136 क्वेश्चन है, सर्टन की इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ की इवेंट्स होते हैं पूरी जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके उसमें कुछ की इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं माइलस्टोन्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 137th क्वेश्चन है। 137th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंजम्पटिव इरिगेशन। ठीक है, सी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट दैट मींस CIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट दैट मींस NIR, देन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दैट मींस FIR, देन ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको हमने ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर, आपको पता है तो कमेंट में बताएं। 137th क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, पहले आएगा GIR, दैट मींस ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर आएगा FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर आएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड फिर आएगा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। 138 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप फॉर ए लाइन कैनाल। ठीक है, जो लाइन कैनाल है उसके लिए कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप हमारे पास होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्कुलर है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है लाइन कैनाल के लिए, लेकिन सर्कुलर बनाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम जो मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हैं लाइन कैनाल में जो शेप यूज करते हैं वो है ट्रेपेजॉइडल शेप, दैट मींस ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। फॉर वाटर बाउंड मकादम, दैट मीन WBM रोड्स अगर हमने तैयार करनी है, WBM रोड्स इन लोकलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, जिसमें हैवी रेनफॉल हमारे पास हो वहां पे जो कैम्बर है, कैम्बर उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी से आप आंसर बताएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 1 in 36, तो जो कैम्बर की वैल्यू है 1 in 36 होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की. 140 क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्टिविटी इफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 28 डेज. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 28 डेज एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है हमारे पास 18 डेज. ठीक है, तो हमने निकालना है टोटल फ्लोट. ठीक है, तो टोटल फ्लोट जो होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दैट मीन्स 28 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 18, तो ये जब हम करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आएगी 10. ठीक है, तो 10 डेज हमारे पास क्या आया इसमें आंसर, तब में टोटल फ्लोट कितना आया 10 डेज. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन हम देख लेते हैं. द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो किसका सम होता है. ठीक है, 141 क्वेश्चन है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो किसका सम रहता है, प्रेशर हेड का, डैटम हेड का, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन. ठीक है, इसका बी आंसर है. ठीक है, प्रेशर हेड एंड डैटम हेड जो है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, उसका जो हमारे पास रहता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का सम रहता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 142 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेंड मटेरियल. ठीक है, एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेंड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारे पास दी है यहाँ पे. एक की वैल्यू हमारे पास दी है 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. दैट मींस इसको हम सिग्मा एक्स मान लेते हैं परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस और 100 को सिग्मा वाई. ठीक है, एंड एक्टिंग देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस. ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस की इंटेंसिटी हमने निकालनी है. ठीक है, That means हमने सिग्मा टी निकालना है ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 50 टू द एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेस. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे थीटा दिया हुआ है. ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, सिग्मा टी निकालना है. ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो 142 क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें हमने निकालना था सिग्मा टी. तो यहाँ पे सिग्मा टी का जो फॉर्मूला हमारे पास है, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन 2 थीटा. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा टी निकालने का. तो हमारे पास सिग्मा एक्स दिया हुआ 200, सिग्मा वाई हमारे पास दिया था 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन हमारे पास 2 आ गया फॉर्मूले का इनटू थीटा दिया था 15 डिग्री. ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ये इसकी जो वैल्यू आएगी हम बात कर लेते हैं. ये जो है सॉरी ये माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, इसमें से माइनस करेंगे 200 में से 100, यहाँ पे 100 बचेगा, 100 को 2 से कट करेंगे, ये 50 बचेगा, 50 साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये आ गया 15 दो 30 डिग्री. ठीक है, तो ये बन जाएगा 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमारे पास होती है, तो ये बचेगा 25. ठीक है, 25 पर एमएम स्क्वायर. ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ठीक है, तो हम क्वेश्चन में जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है हमारे पास, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें. आपको सिंपली आरपीएन शर्मा टाइप करना है यूट्यूब पे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. वहां पे आपको और भी काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे. इस पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे आ जाते हैं. ठीक है, 143 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ मेट्रो रेल लाइन. ठीक है, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ मेट्रो रेल लाइन इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए कनाल एंड ड्रेनेज इंटरसेक्टेड ऑलमोस्ट सेम लेवल. ठीक है, तो हम मेट्रो रेल की रेल लाइन की सर्वे कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व करा जा रहा है कि जो कनाल है और ड्रेनेज जो है इंटरसेक्ट कर रही है ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाइल अलाइनिंग द मेट्रो रेल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाट स्ट्रक्चर नीडेड टू बी बिल्ट. कौन सा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर हमें वहां पे बनाना पड़ेगा जहां पे हमारे पास कनाल और ड्रेनेज लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सेम लेवल पे. ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएं अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग का हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 144th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन व्हिच मेक्स अ रिलेशनशिप विद द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ हेड इन अ पाइप ऑफ लेंथ एल ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लैमिनर फ्लो.
ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर आपको आंसर पता है, तो नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसको हम हेगन पॉस्टुली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देन 145th क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। When an ascending gradient of 1 in 50 meets a descending gradient of 1 in 50, ठीक है, तो एक ascending gradient हमारे पास दिया है 1 in 50, ठीक है, जो meet करता है किसके साथ, एक descending gradient है जो 1 in 50 है। जो length है हमारे पास, submit करो कि for a stopping sight distance of 80 meter will be, कितना होगा हमारे पास length of submit करो, ठीक है, length of submit करो, हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, question पे जाना पड़ेगा, मैं आपको ले जाता हूं दूसरे पेज पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो n निकालना है, n इक्वल टू 150 प्लस 150, ये निकल जाएगा 125, और ये इसको हम करेंगे 0.04 हो जाएगा ये, ठीक है। एस हमारे पास दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बाय 4.4, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे रखी, s की वैल्यू यहाँ पे रखी, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, आंसर जो आएगा वो आएगा 60, ठीक है, 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं, हम देखते हैं ऑप्शन में कि 60 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो 60 हमारे पास ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 146 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फिश बोल्ट हमारे पास यूज होते हैं फिश प्लेट में, ठीक है, एक फिश प्लेट में कितने फिश बोल्ट यूज होते हैं, ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 4 हमारे पास फिश बोल्ट यूज होते हैं फिश, एक फिश प्लेट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 147th क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पट स्टैंड्स फॉर, पट मैंने आपको पहले ही बताया, पट क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कहां पे है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कहां पे है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। 147 का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 148th क्वेश्चन है, क्रीप इज द, ठीक है, तो क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है एक लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है, ठीक है, क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, ठीक है। जल्दी से आप बताएं कौन सा आंसर होने वाला है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149th क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक वेस्ट वाटर रिस्पेक्टली, ठीक है, जो फ्रेश जो वेस्ट वाटर रहता है उसके करेक्टरिस्टिक कैसा होता है और सेप्टिक का कैसा होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो फ्रेश वेस्ट वाटर रहता है वो हमारे पास रहता है अल्कलाइन, एंड जो सेप्टिक रहता है वो एसिडिक रहता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, इन ए प्रोजेक्ट एक्टिविटी फॉर कंप्लीशन इफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ हमारे पास, दैट मीन्स हम इसको टी नॉट लिखते हैं, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ 6 days, दैट मीन्स टी एम इसको हम लिखते हैं, देन पेसिमिस्टिक टाइम दिया हमारे पास टीपी, इसको हम टीपी लिखते हैं, हमने निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम, दैट मीन्स टीई निकालना है, ठीक है। तो टीई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला रहता है टीई, टीई इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 इंटू टी एम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है टीई निकालने का, एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगा लेना है, ये फार्मूला लगाने ये हम लगाएंगे टी नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे टी नॉट है, यहाँ पे टी नॉट कितना है 4 है, प्लस फोर इंटू टी एम की वैल्यू कितनी है 6, प्लस टीपी की वैल्यू कितनी है 11 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल सॉल्व होगा 39/6, ठीक है, 39/6 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.5 days, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.5 days आएगा, ठीक है। जल्दी से हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारे पास ये मैच कर रहा है 6.5 days, हमारे पास ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो जेकेएसएसपी जे का क्वेश्चन पेपर है वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है और भी काफी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस फॉर रफ वर्क है, आपको अगर जो क्वेश्चन आएंगे जो पेपर आएगा उसमें आपको रफ वर्क करने के लिए, आप क्वेश्चन के आगे भी रफ वर्क कर सकते हैं और आपको आगे भी एक दो पेज दिया होगा लास्ट के पेपर में, आप उस पर भी रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, आपको लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां पे लिखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वहां पे और भी काफी सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बाकी सब्जेक्ट्स पे, सिविल इंजीनियरिंग के भी लेक्चर्स मिलेंगे और भी काफी सारे नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। थैंक यू।